अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। आज के वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉमेंट में मुझे लिख के बताएँ कि वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। आज हम जो है वो 2.5 साल बाद पाकिस्तान का ट्रिप कर रहे हैं, इसलिए बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इट वाज़ अ मच वेटेड ट्रिप। सामान क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम बाद ट्रिप कर रहे हैं, वी रियली होप कि पूरा सामान जो है वो लोड हो जाए और हमारा वेट जो है वो एक्सेसिव ना हो। हांगकांग एयरपोर्ट क्योंकि बहुत खूबसूरत है, इस वजह से मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को इसका एक छोटा सा टूर दे दिया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो डिपार्चर हॉल है हांगकांग एयरपोर्ट का। यहाँ पे उमूमन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्राउड काफ़ी हद तक कम है। शॉप्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि बंद हैं, वजह सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 7 डेज़ क्वारंटीन, PCR टेस्ट वगैरह, इस वजह से आना जाना काफ़ी कम है और बिज़नेस आउट ऑफ बिज़नेस होने की वजह से शॉप्स आइडर बंद हो गए हैं या फिर वेकेंट हैं। ये आप देख सकते हैं हांगकांग एयरपोर्ट की जो दीवारें हैं ये कांच की बनी हुई हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू होता है अगर आप मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हो तो। नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये अराइवल हॉल है हांगकांग एयरपोर्ट का, और ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये सब क्वारंटीन होटल में जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। डिफरेंट होटल्स के लिए डिफरेंट लाइंस होती हैं क्योंकि उनको डिफरेंट गवर्नमेंट की जो या होटल की बसेस हैं वो लेके जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अराइवल्स के लिए 7 डेज़ की क्वारंटीन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हांगकांग एयरपोर्ट है। सो लेट्स टेक अ टूर। और ये था हांगकांग एयरपोर्ट का टूर। फिर हम जो है वो सामान लोड करने चले गए और मैकडोनल्ड्स गए। सामान लोड करने के बाद और बोर्डिंग पास लेने के बाद हमने मैकडोनल्ड्स का नाश्ता किया। इस वीडियो का पार्ट टू भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी, 1-2 दिन में ही कर लूँगी, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ कीप एन आई आउट फॉर द वीडियो विच इज़ कमिंग सून, पार्ट टू ऑफ पाकिस्तान ट्रिप। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।